पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक से लगाई न्याय की गुहार। दबंग पड़ोसी कर रहा परेशान। अमरोहा के पीरगढ़ में रहने वाले एक पीड़ित परिवार ने आज पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पीड़ित परिवार ने कहा कि हमारे परिवार का एक लड़का पड़ोस की एक लड़की को लेकर फरार हो गया था और उसने प्रेम विवाह किया था। पीड़ित परिवार ने कहा कि दबंग पड़ोस हमारे मकान में घुसने नहीं देता है। जब हम अपने मकान में रहने के लिए आते हैं तो वह हमें जान से मारने की धमकी देता है। नाजिया ने बताया कि जो लड़का लड़की लेकर भागा है उसका नाम सलमान है। वह मेरा देवर है और वह हमारे घर में नहीं घुसने देता। हम एक साल से किराए पर रह रहे हैं। नाजिया ने कहा कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और हम अपने घर जाना चाहते हैं। सलमान के पिता ने कहा कि सलमान से मेरा कोई संबंध नहीं है और वह हमें बहुत परेशान कर रहा है, बार बार जान से मारने की धमकी देता है। पीड़ित परिवार ने एसपी साहब से कहा कि हमारे साथ न्याय किया जाए। क्या नाम है आपका? नाजिया। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मोहल्ला पीरगढ़ अमरोहा। ये बताइए, आज जो कप्तान साहब के पास आए, क्या शिकायत लेकर आई? हमारी ये शिकायत है कि हम एक साल पहले अपने घर से निकाले गए, हमारा देवर एक लड़की लेकर चला गया था एक साल तीन पड़ोस में से, तो वो लोग हमें रहने नहीं दे रहा। जब भी हम जाते हैं तो वो लोग हमें मारने की, हमारी लड़की को उठाने की धमकी देते हैं। हमें रहने नहीं दे रहा, हमारा कोई घर नहीं है। हम किराए पे रह रहे हैं, एक साल से बहुत परेशानी उठा रहे हैं हम। दो छोटे बच्चे हैं, मेरा शोहर भी नहीं है और हम अपने घर जाना चाहते हैं वापसी। वो लोग खोलने नहीं दे रहे हमारा घर। तो आपने इसकी शिकायत अमरोहा नगर कोतवाली में की? वहाँ पर सुनवाई नहीं हुई। क्या कह देती है पुलिस? पुलिस ये कह देती है कि अपना घर बेचो वहाँ से, वहाँ पे वो रहने नहीं देने के। कप्तान साहब के पास आई, कप्तान साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने अब बोला है कि अब कार्रवाई करी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संबल कुरैशी। कहाँ से आए आप? अमरोहा यहाँ से, मोहल्ला पीरगढ़ से। पीरगढ़ से बताइए, आज जो मतलब आप एसपी ऑफिस आए हैं किस संबंध में आए? इस संबंध में आए कि वो लड़की खुद हमारे लड़के के साथ भागी थी, वो खुद वहाँ पहुँच गई थी। दिल्ली में रहता सलमान, गांधीनगर में। ये हो गई दिसंबर की बात थी, सवा साल हो गया। वो लड़की ने समझो कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज करके फिर निकाह किया, फिर समझो साहब उसमें उन्होंने कागज भेजे कोर्ट के, इनके घर पर कोर्ट मैरिज के कागज कोर्ट के जरिए और डाक से आए, और एक कागज़ कोर्ट मैरिज के थाने पहुँचे हुए हैं, और फिर भी वो हम लोगों को सताते हैं और रहने नहीं देते। जब हम जाते हैं रहने के लिए तो कहते हैं साले तू फिरा गया, हम तुझे जान से मार देंगे और तुझे घर में नहीं बढ़ने देने के, या चाहे कुछ भी हो जा। एक साल मुझे 3 महीने हो गए उस दिल्ली में कदम रखे हुए, और उन्होंने इतना जुल्म किया है कि वो खतरनाक, ये सोचते हैं कि मैं गोली मारूँगा, वो कहे मेरा गोली मारूँगा। ये जो नाजिया हैं, क्या लगती हैं आपकी? ये मेरी लड़के की बहू है और मैं सबके बयान दे